बनाने बातों बातों में समझाने किरणों किरणों पाओ धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह रहना ऐ नजारों गवा रहना दो दिनों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर खुश आमदीद और लाहौर में आज मौसम इस दर्जे हसीन है जो कल की शदीद तरीन तूफ़ानी बारिश के बाद टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 20 डिग्री ड्रॉप और उसके साथ बादल छाए में हैं। अभी मुझे नहीं पता कि जब हम स्टूडियो में आए उसके बाद सूरज निकल आए तो निकल आए, लेकिन मौसम इतना हसीन इतना खूबसूरत कि जिस मौसम में आपका दिल चाहता है कि आप इसी तरह के खूबसूरत गाने सुने जो अभी हम आपको सुना रहे थे। लेकिन सिर्फ इस मौसम में दिल नहीं करता, आजकल तो दिल इसलिए भी बहुत ज़्यादा करता है कि हमें अपना कल्चर अपनी हिस्ट्री अपना जो पुराना दौर है वो बहुत खूबसूरत लगता है और हर एक को लगता है, हर एक की नॉस्टैल्जिक जो एक फीलिंग होती है और इस मौसम में नॉस्टैल्जिया वैसे भी ज़रा ज़्यादा सूट कर रहा होता है। पुरानी यादें पुरानी बातें ज़रा एक दूसरे के साथ मिल बैठने को दिल भी करता है, बहुत सारी ऐसी भूली बिसरी यादों को याद करने का दिल भी करता है जो अमूमन हम छोड़ चुके होते हैं नज़रअंदाज कर चुके होते हैं या ज़िंदगी के रोज़मर्रा की मसरूफियत में उनके लिए टाइम नहीं बच पा रहा होता। आज निकालेंगे हम वक्त इसलिए कि मॉर्निंग है और अगर आप उठे हुए हैं ऑफिस के लिए तैयार होना है, बेगम नहीं उठी हैं अभी या बेगम उठी हुई हैं नाश्ता दे रही हैं जो भी घर में सूरत हाल है, सिर्फ आप अपना वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा कर लेंगे और आप सुनेंगे वो तमाम खूबसूरत हिट्स जो कि 60s में हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने जिसके ज़रिए से रूल किया हुआ है, वो गाने जिन्हें सुनते हम जवान हुए हैं, वो गाने जिनको हमारी आने वाली नस्लें भी सुनने वाली हैं, वो लोग जो सुनहरे थे वो लोग जिनकी यादें आज भी हमारे दिलों में ताज़ा हैं, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ही नहीं पाकिस्तान की जो तारीख है कल्चर की हमारी जो इस सकाफत की उसका एक अहम बाब है। उन लोग क्या लोग थे जिन्होंने बहुत कम महदूद सामान में बहुत कम आसाइशों में काम किया, बड़ा काम किया और इतना खूबसूरत काम किया कि आज तक उसके नकूश जो है वो अनबेंट है, आज तक वो चीज़ें जो हैं वो सुनहरी हैं, आज तक वो चीज़ें जो हैं वो यादगार हैं और रहती दुनिया तक रहेंगी। सो आज हम याद करेंगे मलका तरन्नुम नूरजहां को, आज हम याद करेंगे मैडम शमी मारा को, आज हम जिक्र करेंगे कुर्सबिया खानम जी का, आज हम जिक्र करेंगे दीवा बेगम का, आज हम जिक्र करेंगे ज़ेबा बेगम का, आज हम जिक्र करेंगे निशो का, आज हम जिक्र करेंगे अपने उस चॉकलेट हीरो का जो मुझ समेत मेरे इरा तक के लोगों का जिसे कहते हैं ना दिल की धड़कन रहा है। कौन नहीं इन लव था वहीद मुराद साहब से, जब वो पर्दा स्क्रीन पे जिसे कहते हैं ना जलवागर होते थे लोग सांस लेना भूल जाते थे, एक ऐसा क्रिज़मेटिक एक ऐसा जिसे कहते हैं ना एक भरपूर शख्सियत का मालिक हमारा हीरो। सो उनके गाए हुए उन पर पिक्चराइज हुए हुए बहुत सारे गाने जो उनके लिए गाए गए आज वो भी शो का हिस्सा होंगे और उसके लिए हमारे जो खूबसूरत मेहमान आपसे मिलेंगे जो इन यादों को आपके साथ ताज़ा करने वाले हैं वो खुद बड़े खूबसूरत हैं। उनके अपने का नाम अपना काम अपना मुकाम जो है वो तो है ही खूबसूरत, लेकिन सबसे पहले मैं बुलाना शुरू करूँगी कि ये गाने जो आज आप किन सिंगर्स की आवाज़ में सुनने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम एक ऐसी खूबसूरत मधुर आवाज़ की सिंगर का है कि जिनको जब भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया तो मैंने यही कहा है कि कोमल सुर आवाज़ की नज़ाकत खूबसूरती रचाओ में इनका कोई सानी नहीं है। सो प्लीज़ वेलकम सारा रज़ा। ऐ नजारों गवा रहना तो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहना। Lovely introduction. कितनी आवाज है सारा की और हमेशा बड़ी अच्छी लगती है और सुबह में तो बहुत ही अच्छी लगी। थैंक यू थैंक यू राज, बहुत मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि मौसम भी इतना प्यारा है, सुबह सुबह उठते और भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, हमें आपका आना बहुत अच्छा लगा। सारा को बहुत दिनों से हम बुलाते रहते हैं, बस शुक्र आज मौसम अच्छा है तो सारा हाथ आज एक और बात बड़ी प्यारी जिसकी वजह से मैं इनकार कोई भी नहीं कर सकता म्यूजिशियन और वो था कि इट्स ऑल डेडिकेटेड टू म्यूजिक एंड वी आर सेलिब्रेटिंग म्यूजिक, वी आर सेलिब्रेटिंग गोल्डन 60s एंड डेफिनेटली उस दौर का म्यूजिक भी और आज का भी म्यूज़िक जो है वो बहुत ख़ास है, लेकिन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पुरानी जो हमारी झलक है वो नज़र आती रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आज हम उन तमाम चीज़ों को याद करने वाले। अच्छा सारा के साथ सारा तशरीफ़ रखें प्लीज़। सारा के साथ हमारे जब मेल सिंगर की बात होती है ड्यूट्स में जो गाने होते हैं उसमें दोनों को एक दूसरे के बराबर का जोड़ का होना बड़ा ज़रूरी है। सो मेरे जो साथ जो मेल सिंगर हैं अगेन वो भी बहुत जिसे कहते हैं कमाल सुर और अदायगी और तलफ़ुज़ और उसके साथ साथ एक्सप्रेशन जो गाने के हैं
ان کو کمال طریقے سے ادا کرتے ہیں, بھرپور طریقے سے ادا کرتے ہیں. پلیز ویلکم علی عباس. اچھا, سارا نے اور علی نے ایک دوسرے کے ساتھ پرانے گانے اتنے زیادہ گائے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جب بھی پرانے گانے جو ہیں ان کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے یا ان کو لے کر آنا ہے, تو وہ سارا اور علی عباس کا ایک کمبینیشن بنے گا. بالکل, آئی ایم گلیڈ ماشاء اللہ, بیکاز پاکستان میں اچھی آوازیں اور اچھی ٹرینڈ ووکلز بہت کم ہے, تو آئی آلویز اڈور علی بھائی کی آپ کی ماشاء اللہ آواز پلس انداز بہت ہی. اور میرا خیال ہے کہ ابھی ریسنٹلی کسی فلم کا کوئی گانا ہو رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ آج کل ایک ہسکی سا ٹون ہے جس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, بٹ آئی واز لائک نہیں, یو شوڈ کال ہم, بیکاز جو آپ کا گانا ہے, جو آپ کی فیل ہے, اس کے لیے کہیں نہ کہیں چاہے کوئی بھی فیل کا گانا ہو, آپ کو گانے گانے والا ضرور چاہیے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی ماڈل کو بلا لیں اور پھر آپ کہیں کہ بھی گانا گا دیں. تو تھینک یو ویری مچ فار ریممبرنگ اس وین ایور دیر از سم تھنگ میوزیکل. نہیں, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, اب چلیں گے ہم ان لوگوں کی طرف جن کی ذکر ابھی کر رہے تھے, ان میں سے چند جو کہ آج یہاں لاہور میں موجود ہیں, اور اگین ایک بہت بڑا نام جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری پہ راج کیا ہے. کون سی فلمیں ہیں ان کی جو میں آپ کو گنواؤں جن کے نام لوں؟ کمال, ایک سیریز آف فلمز اور بہت سارے ہیروز, ندیم صاحب, شاہد, اور پھر وحید مراد کے ساتھ بھی کام کرنے کا اتفاق رہا, محمد علی صاحب کے ساتھ بہت کام کیا, ہماری بہت اپنے عہد کی بڑی ہیروئن. پلیز ویلکم نیشو. یہ کچھ خاص ہے, جب بھی نشو مجھ سے ملتی ہے پچھلی دفعہ سے 10 سال ینگ لگتی ہیں. یہ کیا کمال, انکریجنگ می. میں تو بڑی زیادہ اس بات سے ہر خاتون خوش ہوتی ہے کہ میں کچھ سلم سمارٹ ہو گئی ہوں یا میں پہلے سے بیٹر نظر آ رہی ہوں. ینگ تو نہیں لگ سکتے, یہ تو آپ کا اخلاق ہے. نہیں نہیں نہیں, جو قابل ستائش ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی کر رہی ہیں. نہیں نہیں, میں حوصلہ افزائی بالکل نہیں کر رہی. آپ جب لوگ آتے ہیں نا, تو ایک دفعہ سے ملے تو دوسری دفعہ ملے تو لگتا ہے کہ کچھ وقت گزر گیا. آپ کو دیکھ کے لگتا ہے وقت گزرا نہیں ہے, وہیں پہ رک گیا ہے یا پھر پیچھے کی طرف چلا گیا. ہاں, انرجیٹک ینگ, مطلب میرے جونیئرز میری اتنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو. تھینک یو سو مچ فار سچ اے نائس انٹروڈکشن. تھینک یو, آپ آئیے, تشریف لائیے, ہمارے لیے بڑی عزت افزائی ہے. آپ کو یاد آتے ہیں اس دن؟ ہمیں اتنے یاد آتے ہیں, ہم آج تک اس کے نوسٹالجیا سے نہیں نکلے. مجھے یاد نہیں آتے کیونکہ میں بھولی ہی نہیں. اچھا, واہ, بھولوں گی تو کوئی انسان کسی کو بھولتا ہے تو کہتا ہے نا میں یاد کرتا ہوں, میں بھولی نہیں, یاد کیسے کروں گی. بالکل, جناب تشریف رکھیں. میں اپنی ایک اور مہمان کو یہاں پہ دعوت دینے جا رہی ہوں. ان کی بات, انہوں نے چونکہ کام بہت زیادہ کیا ہے, ان کو قربت کا موقع ملا ہے بہت سارے بڑے لوگوں کے ساتھ, پھر ان کا اپنا تعلق ایک ایسی فیملی سے ہے جن کا تعلق آرٹ سے, لٹریچر سے, ٹیلی ویژن سے, اس کی ہسٹری سے, اس سے جڑے ہوئے لوگوں سے بہت زیادہ رہا ہے. سو اس حوالے سے بھی ان کو بہت ساری انفارمیشن بھی ہے, اور باتیں بڑی خوب کرتی ہیں اور بڑی زبردست قسم طریقے سے. ہمارے ساتھ آج وہ اس 60s کی گولڈن ایرا کو یاد کرنے والی ہیں. بڑا خوبصورت ہنی مون سانگ ہے, بالکل اس کو سن کے ہی لگتا ہے کہ نیا نیا جوڑا جو نئی نئی شادی ہوئی ہے ہنی مون پہ آئے ہوئے ہیں. ہاں, مری کے پہاڑ یا پھر ناردرن ایریاز میں کہیں گھومنے پھرنے گئے ہیں اور وہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کی پوئٹری, اس کی کمپوزیشن, گائکی, ماحول, ساری لوکیشن ایک الگ دنیا میں, ایک فینٹیسی ورلڈ میں لے جاتی ہے. اس وقت ہی اچھا لگتا تھا اگر اب کے بچے, اب کے ہیرو ہیروئنز یہ گائیں تو بڑے زہر لگیں. کیوں نہیں, وحید محمد علی صاحب اور شمیم آرا اور وہ لوگ تو اور ہی کوئی لوگ تھے نا, وہ تو کوئی پریاں شہزادے تھے. بالکل بالکل, یہ دری چیشک. لیکن آج بھی جو لوگ کر رہے ہیں آج کے اعتبار سے اچھا, نہیں نہیں نہیں, یہ آج بھی اچھا کام کرنے والے ہیں, ایسا نہیں. جو نیو کمرز ہیں ان کو ہم ڈسکریج نہیں کریں گے, لیکن وہ جو ایک خوبصورت امیج بنا گئے ہیں, اللہ کرے اس تک پہنچ جائیں, یہ ہماری دعا ہے. ہر آنے والا اپنی اگر ایفرٹ کرتا ہے, کام میں انوالو ہے, کنسنٹریٹ کرتا ہے, یقیناً وہ اس منزل تک پہنچے گا جہاں پہ ہم لوگ تھے. اچھا, کچھ میموریز کا مجھے بتائیں, کیونکہ آج ہم گولڈن 60s کی بات کریں, گانے ہم سن لیتے ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ ہسٹری نہیں پتا ہوتی کہ کیا ہے کیسے ہے. میں جب آپ نے گانا سنا, آپ نے گانا کب سنا تھا؟ میں یہ اسکول ٹائم میں, شاید میں نے اس پہ پرفارم بھی کیا تھا. اچھا, کیونکہ 70s میں آئی اور میں نے میٹرک کا ایگزام دیتے ہی میں ہیروئن بن گئی ایک دم اچانک, نہیں جیسے کسی کو کارڈیک اریسٹ ہوتا. مجھے میری آمد اس طرح تھی کہ آئی اور جسٹ ہیروئن, ٹھیک ہے, مطلب کوئی
वक्त जाया नहीं किया। तो आप जाके देखा करती थी 60s में फिर ये फिल्म जीरो मोहब्बत? जी बिल्कुल, वो दौर वो था कि एक्टर एक्ट्रेसेस की जैसे वहीद मुराद, नदीम, उस वक्त उस दौर के बाजी शमीम, भाभी जेबा, शबनम मैडम, तो उन इनकी बुक्स में हम तस्वीरें रखते थे। एक क्षमा रिसाला होता था तो स्कूल टाइम में अम्मी से मार, वो चोरी पढ़ते थे क्योंकि चिमटों से मार पड़ती थी कि तू फिल्म एक्ट्रेस बनेगी, तू पढ़ाई करती है या तू क्षमा रिसाले की चीज़ें या मुख्तलिफ जो रसायल होते थे, तो फिर वो चोरी चोरी ये सब करते थे और सबकी मैं नकलें उतारती थी दरवाज़ा बंद करके। वो रेडियो होता था जब उस पर कभी कभार गाना लगता था, ट्रांजिस्टर जो होते थे, तो वो मैं बंद करके करती थी। अम्मी कहते तेरे लक्षण ठीक नहीं है, तू जरूर फिल्म में जाएगी। वो ऐसी चीज मेरे दिलो दिमाग में समा गई थी कि अगर मैं फिल्म स्टार ना होती तो मैं पागल होती। ओ कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। आपने कब सुना था असमा जी, आपने कब सुना था जिंदगी में पहली बार ये गाना, कब कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? मुझे तो कुछ याद नहीं क्योंकि मेरी बड़ी बहनें सब है ना, तो हमारे घर में तीन जब बड़ी बहनें होती हैं तो वो गाने बजाती हैं ना, तो हमारे तो बच्चों के सोते हुए कान में पड़ते हैं, तो मुझे तो ये याद ही नहीं कि ये सब गाने कब अंदर चले गए। ये छोटी होगी और फिर ये कि इनकी इंटरवल पीसेस, इनकी जो जगह है वो कहीं गलत ले लेना तो गुस्सा आने लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, यहाँ से यूँ नहीं होना चाहिए, तो वो इतना ज्यादा कंप्यूटर में बिल्कुल फीड हो चुका है, याद नहीं कि कब से ये गाना अंदर। एक और गाना बहुत खूबसूरत है और वो ज़ेबा बेगम पे पिक्चराइज हुआ था, अगेन टूटे हुए दिलों की आज तक जब भी कोई, हाँ जब भी कोई बात होती है तो उसी गाने की तरफ रेफर किया जाता है, और ये गाना भी बहुत, और वहीद मुराद साहब थे इस गाने में भी, दोनों बहुत, दरा फिल्म थी या कौन सी थी, अरमान, अरमान थी, कौन सा वाला, अकेले ना जाना, अरमान छोड़, अरमान थी। और मैं एक बात कहूंगी, आई एम सो हैप्पी कि ये दोनों मेल फीमेल वॉइसेस जितनी खूबसूरत, जितनी इसमें नस्वानियत होनी चाहिए वो है, और जितना उसको मैनली गाना चाहिए वो बेस के साथ, माशाल्लाह, ये हमारा कपल बहुत अच्छा है, इनके लिए तालियां। थैंक यू सो मच। कभी सोचा नए अंदाज के गाने भी गाने, कभी आप लोगों ने सोचा आपने भी आजकल करके गाना गाया हो? सोचा नहीं है, लेकिन ये है कि चूंकि फिल्म में मेरा एक्चुअली टोन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरली ऐसा है कि मुझे कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने, चाहे वो बग्गा भाई हो या बकार भाई, उन्होंने कहा नहीं कि तुम थोड़ा हिस्की करके गाओ तो गाना अच्छा लगेगा। आई मीन लाइक नेचुरली अगर वो बिल्ट इन कहीं आ जाता है, जैसे नए अभी OSTs वगैरह चलते हैं या फिल्म ट्रैक्स, तो फिर तो ठीक लगता है, लेकिन उन्होंने कभी फोर्सफुली नहीं कहा कि हम लेकिन इस तरह से पहली बार सुना है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बेटे आपको पता नहीं कि आपकी आवाज रजब अली साहब से बहुत मिल रही है। अरे आपको याद है, रजब अली साहब, रजब अली का बहुत सारे लोगों का नाम भी याद नहीं है। देखिए मुझे तकलीफ हुई एक बात से, हम लोग कहीं गए थे किसी इस तरह गैदरिंग में जैसे आजकल होती है, वहाँ पे तो बच्चे थे, लड़कियाँ, लड़के, यंगस्टर्स काफी लोग थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अंदर कोई सिंगर आए, मैं PTV के कोई सिंगर है, PTV के कोई सिंगर है, मैंने कहा कौन सिंगर आए, हमसे कौन छुपा हुआ है, मैंने कहा कौन से सिंगर है, पता नहीं आपका कोई PTV के सिंगर है, वो सब यंग बच्चे थे आजकल के लोग। जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा रजब अली साहब, मैं तो बिल्कुल बेहोश होने लगी ना, जाहिर है, मैंने कहा हाय तुम लोगों को नहीं पता कि ये कौन है, हाय तुम लोगों को नहीं पता, मैं उनको बताऊँ कि ये, पर अफसोस के हमारी नई जनरेशन को नहीं पता था, तो माशाल्लाह काफी लोगों ने कहा रजब अली साहब के बारे में, तो मैंने आज सुना आपको पहली बार। चलिए बड़ी अपने दौर के वो बहुत कामयाब सिंगर थे और मैडम सब कुछ चाहने वाला इस दुनिया में कोई और, अल्लाह ना करे। अब सुनेंगे आपसे वो भी, लेकिन पहले बिल्कुल सुनेंगे। और मेरा ख्याल है कि एज ए यंगस्टर अगर हमें पुराने गाने याद ना होते ना, तो फरहत इज आई गेस आजकल के जो हम गाने गाते हैं लाइव कॉन्सर्ट्स में, चाहे वो भंगड़ा हो, चाहे वो बॉलीवुड हो या लॉलीवुड हो, मेरे ख्याल है वो पॉसिबल ही नहीं होता अगर हमारे पास ये ट्रेनिंग थोड़ी बहुत ना होती। सिले चला करते थे एक कवातर के साथ, तो हमने भी इतने सुने हुए हैं बचपन में कि लगता था कि आप, हाँ आप इन्हीं में जवान हुए, आप इन्हीं में पले बढ़े। तो अब टास्क है जिस गाना हम खूबसूरत, जिसको हम याद करने जा रहे हैं, वो चकोरी फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना, नदीम की, मेरा फिल्म स्टार नदीम की पहली फिल्म की, और गाड़ी में चेंजर होते थे उन दिनों ना, तो ये गाना बार बार लगा के मैंने वो जो रिकॉर्ड होता था ना वो घिसा दिया था इतना। गाड़ी में भी चेंजर होता, अच्छा तो हाँ हाँ। अपना कौन सा गाना आपने सुन सुन के घिसाया था? लोगों ने सुना ज्यादा वे सब तो सोनिया, हाँ, तो आपने और एक बहिश्त का है रात रात भर की, काटे ना क्यों खुशी से, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, सारा निमाग गाया हुआ। एक गाना बहिश्त का बहुत पसंद है मुझे,
सितारों मेरी रातों की उन्होंने सुनाने, वो क्या गाना, क्या गाना, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल सही। लेकिन अभी तुमने जो चलाया है, कभी तो तुमको याद आएंगे सब, तो सोनिया परफॉर्म नहीं कर रही है, फरमाइश करती जा रही है। अच्छा, लेकिन कभी तो तुमको याद आएंगे, अभी हम इसको रिवाइव करने जा रहे हैं और याद करने जा रहे हैं। कभी 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 तो तुम बगैर बताए आई है, जैसे मैं नहीं फिल्म इंडस्ट्री में बगैर बताए आई है और छा गई। तो आज कोई बारिश का गाना भी बाद में सुनिएगा, बिल्कुल सही। लेकिन अभी जो हम गाना सुनने वाले हैं वो गाना है जो कि आपके ऊपर पिक्चराइज हुआ। रियली? हाँ, तो अब आपने उस गाने की हमें बताने, मैं जो शायर कभी होता तेरा मुखड़ा कहता, मुझे बताएं तेरा चेहरा कहता, मुखड़ा हमने गाने में कन्वर्ट कर दिया उसको। एक्चुअली ये सेहरा टाइप है, सेहरा। तो चेहरा कैसे हो गया सेहरा? चांद को चांद ना कहता, दूसरा मिसरा चेहरा, हमने उसको आगे भी कर दिया। ओके, अच्छा ये गाना कैसे और क्या फीलिंग थी जब पिक्चराइज हुआ आप पे? आपके साथ हीरो थे इसमें? जी, नदीम थे, और ये जो रिवायती सास बहू का झगड़ा है हमारे अगल से फिल्म का, ये इतनी खौफनाक फिल्म, इतनी खौफनाक, आज तक उसी की कहानियां जो है वो ड्रामों में आ गई देख रहे। तो अब ये है कि जब से वो सास बहू की मैंने फिल्म की है, तो मैं सोच रही हूँ कि आई विल बी वेरी गुड सास इंशाल्लाह जब बनूंगी लड़की की। अभी तो मैं दामादों की सास हूँ ना, तो दामादों की सास वैसी बेचारी बड़ी मजलूम सी होती है, लेकिन जो लड़की की सास होती है उसका कॉन्सेप्ट ही है, इमेज है कि वो बड़ी जालिम सास होती है। इंशाल्लाह मैं बहुत पोलाइट सास हूँ, वेरी हम्बल पोलाइट, लव यू। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इस गाने की तरफ आएंगे जो मेहंदी हसन साहब ने, नहीं ये चलाकी चलाकी में रिश्ता मांग रही है, इतना प्यारा मेरा बेटा है, तो अल्लाह करे हो ही जाए कोई, मैं ऑन एयर रिश्ता मांग रही हूँ। आपके लड़की कैसी चाहिए ये भी बता दे। लड़की खूबसूरत, बस मैं भी एक प्रोग्राम कर रही थी तो एक सिंगर बैठा, मैंने कहा छोटा था वो, बड़ा यंग सा, मैंने कहा बेटे तुम्हारी शादी अपनी अम्मी की पसंद से करोगे या अपनी? कहता मैं अपनी पसंद से करूंगा और अम्मी को राजी कर लूंगा। मैंने कहा कैसी तुम्हारी चॉइस है, कैसी दुल्हन होनी चाहिए? कहता आप जैसी। हम दुआ करेंगे कि आपको आप जैसी बहू जो है मेरे से मिलती जुलती हो, सारी मेरे जैसी ना हो। हम भी दुआ करेंगे, और ये गाना क्योंकि आप पे पिक्चराइज हुआ है, सो मैं मेरी तरफ से आपको मैं डेडिकेट कर रहा हूं। जबरदस्त। लेकिन इस गाने पे आपने जरा नदीम साहब बनना है। नहीं मुझे लड़का बनना, बनना है ना प्लीज। अच्छा चलिए मैं बन जाऊंगी। आइए निशु जी। हाँ क्या करूँ, नहीं नदीम साहब बनने की कोशिश करूँ।